नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौरादेही अभ्यारण्य में 5 बाघों की जानकारी होने के बावजूद यहां पर धड़ल्ले से सागौन की चोरी जारी है। इस मामले की जानकारी जब वन विभाग को लगी तो वन विभाग के अमले ने घेराबंदी की। इस दौरान लकड़ी चोर यहां से रफूचक्कर हो गए। हालांकि वन विभाग की टीम द्वारा लगभग 40,000 रुपए की लकड़ी और 3 बाइक जब्त की गई है। एसडीओ सेवाराम मलिक ने बताया कि झापन रेंज के अंतर्गत वन चौकी सोमखेड़ा की मुड़ेरी बीच में 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 लोग सागौन की लकड़ी के 3 मोटे लट्ठों की चोरी करके भाग रहे थे, जिन्हें रेंज ऑफिसर कुमारी लक्ष्मी यादव ने गश्ती दल के साथ घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया। हथियारों से लैस चोर वन अमले पर हमलावर हो गए, तब रेंज ऑफिसर द्वारा सर्विस रिवॉल्वर से हवाई फायर किए गए। इसी दौरान सभी 6 चोर अंधेरे का लाभ लेकर बाइक छोड़कर भाग गए। मौके से 3 बाइक, 3 सागौन के लट्ठे, 1 तलवार, 2 आरा पत्ती बरामद कर जब्त कर ली गई है और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। दमोह जिले में एक झापन रेंज होती है हमारी, उसमें अवैध सागौन निकासी में 3 बाइक और उन तीनों पे सागौन के लट्ठे लदे हुए थे। रात्रि में हमारी जो रेंज अफसर है, वहाँ पर लेडी रेंज अफसर है लक्ष्मी सिंह यादव, उसके नेतृत्व में उस टीम ने 3 बाइक और लकड़ी जब्त की है। ये 17 और 18 की रात के दरमियान ही हुआ है और इसमें करीब तीनों लकड़ी की कीमत 40,000 के आसपास है, 40 से 45,000। मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। आरोपी रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए थे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर और हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप Facebook पेज पर भी जा सकते हैं, उसे लाइक करें और फॉलो करें और लगातार अपडेट बने रहें।